हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नाइस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से अल्टीग्रेड को लेकर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हिंदी और सामाजिक विज्ञान रिजल्ट को लेकर और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बड़ी अपडेट आपको मिलने वाली है और आपकी कितनी फाइलें निदेशालय पहुँच चुकी है और जल्द ही आपकी फाइलें निदेशालय पहुँचाई जाएंगी। तो इस वीडियो में आपको अपडेट मिलने वाला है और नियुक्ति प्रक्रिया रिजल्ट को लेकर बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो चलिए अपडेट देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, अभिलेख सत्यापन के बाद भी 13 विषयों के चयनितों को नियुक्ति का इंतजार है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान के 3287 पदों के रिजल्ट पर भी अभी असमंजस बरकरार है और होली के बाद फिर आंदोलन की तैयारी है। एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में आयोजन को इस साल जुलाई 2019 में 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो 2020 के जो जुलाई आएगी, इसमें 2 साल पूरे हो जाने हैं एल टी ग्रेड भर्ती को लेकर। 13 विषयों का रिजल्ट इसमें आ चुका है और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी सामाजिक विज्ञान को छोड़कर बाकी 13 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इन विषयों में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और 4 विषयों की आपकी फाइलें निदेशालय पहुँच चुकी हैं। कौन कौन से विषय हैं तो फ्रेंड्स, वे फाइलें हैं वाणिज्य महिला, कृषि पुरुष, संगीत महिला और पुरुष विज्ञान। विषय की चयनितों की फाइलें संतुष्टि के लिए निदेशालय भेजी जा चुकी है। तो होली के बाद बड़ा आंदोलन होने वाला है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर और हिंदी और सामाजिक विज्ञान रिजल्ट को लेकर। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए ज़बरदस्त आंदोलन के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।